रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने लिया 1.5 लीटर दूध, विनेगर, और चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 ग्लास चीनी। तो अब दूध से मैं छेना निकालती हूँ। उसके लिए दूध को एक उबाल आने तक गर्म करें। दूध उबल चुका है, अब गैस ऑफ कर दें और इसे नीचे उतार गैस से नीचे उतार कर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में विनेगर डालें इसमें। एक बार में सारा विनेगर नहीं डालेंगे। अब देख सकते हो दूध फट रहा है। तो अब मैं ये बाकी बचे विनेगर भी इसमें मिला दूंगी। दूध पूरी तरह फट चुका है। अब इसे छन्नी से छान लें एक सूती कपड़े की सहायता से। और छेने के ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डालें, जिससे कि छेना भी ठंडा हो जाएगा और विनेगर का स्वाद भी चला जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से इसके सारे पानी को निचोड़ दें। मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। मैं इसके बॉल बनाऊंगी, पर बॉल बनाने के पहले इसे बहुत मैश करना होगा। तो पहले अब हम अपनी चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस ऑन किया है। और मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास चीनी के साथ 4 ग्लास पानी मिला के पतली चाशनी तैयार करूंगी। तो जब तक चीनी और पानी घुलते हैं, तब तक छेने को मैश करके रसगुल्ले का बॉल बनाना है। तो इसे उंगलियों की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से मैश करें। अब देख सकते हो मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसके बॉल बनाऊंगी और इसके बॉल बिना क्रैक के बनाएं। इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हो। एक भी बॉल में क्रैक नहीं है। और चीनी भी पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल चुका है। तो अब ये रसगुल्ले के सारे बॉल को मैं चाशनी में डालूंगी। और रसगुल्ले को मीडियम फ्लेम पे एक विसल आने तक पकाएं। एक विसल आने के बाद इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ें, ताकि इसका प्रेशर बाहर ना आए और ये अंदर ही पकता रहे। तो एक विसल दे दिया है। अब इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएं।
5 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। देख सकते हो आप कितना स्पंजी रसगुल्ला बना है।